इस बार का चुनाव रिंकू अकेले नहीं लड़ेगा। प्रत्येक मुखिया और वार्ड सदस्य इस बार का चुनाव रिंकू अकेले नहीं लड़ेगा। प्रत्येक मुखिया और वार्ड सदस्य सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी समस्याओं पे चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में महागठबंधन से गया प्रत्याशी नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव ने डीएम के समक्ष नॉमिनेशन फाइल किया और बुलंद आवाज में कहते नजर आए कि इस बार का चुनाव रिंकू यादव नहीं, तमाम मुखिया वार्ड सदस्य लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या मुद्दे लेकर के आए हैं, आज क्या हुआ? चुनावी मुद्दा में हम उतरे हैं, ऐसे लग रहा है कि हमला मिलकर नहीं किए। पूरे तीनों जिला के तमाम मुखिया वार्ड महोदय पंचायत समिति जिला परिषद आज वो दिन का इंतजार कर रहे थे कि आज हम लोग को नामांकन करना है। वो दिन आ गया और सब लोग मिलजुल करके नामांकन किए हैं। इस बार का चुनाव रिंकू अकेले नहीं लड़ेगा। प्रत्येक मुखिया और वार्ड सदस्य सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम अपनी समस्याओं पे चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे साथ जितनी समस्या है वो सारे को मुद्दा बना करके, चाहे वो हमारा मान सम्मान और पहचान का मुद्दा क्यों ना हो, चाहे हमारा वेतन का मुद्दा क्यों ना हो, हमारे अधिकार की रक्षा की बात क्यों ना हो, चाहे हमारे जो अफसरशाही इतना बढ़ा हुआ है, ये सारी मुद्दों के साथ हम इस बार चुनाव में गए हैं। और ये सारा मुद्दा हम नहीं बोल रहे हैं, तीनों जिला की जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग स्वयं इस मुद्दा को लेकर के चुनाव में उतर गए। रिंकू जी, ये बताइएगा कि जैसे ये आपके विरुद्ध महिला खड़ी है, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, विधवा महिला खड़ी है और आप उसे ही पराजित करने के लिए मैदान में उतरे हैं, ऐसे में आप राजनीति कर रहे हैं तो ये महिला सशक्तिकरण की बात कहाँ तक जाएगी? सर, इस लोकतंत्र में हम तो चाहते हैं, मेरी यही तो लड़ाई है, इस चुनाव को जो अब तक 20 वर्षों में जिस तरीके से लड़ा जा गया, कुछ मानसिकता के लोग ही लड़ते थे। हम हमेशा लोगों से आग्रह किया 4 महीना में जाकर के, क्या इस बार क्या गरीब का बेटा, क्या साधारण व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है? ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम नहीं लड़ रहे हैं, ये तमाम गरीब गुरबा साधारण व्यक्ति सरल व्यक्ति वो सबका जो सपना खो गया था, उस सपनों की लड़ाई है जो हम लड़ रहे हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सबके समस्याओं को समाधान करने के लिए चुनाव में आया हूँ। आपके चुनाव क्षेत्र में महिला कितना वोटर है? मेरे यहाँ लगभग 50% जो आरक्षण है उस अनुसार से लगभग आपको 3600 के आसपास। नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव तमाम बड़े राजद के नेताओं के साथ नॉमिनेशन के लिए निकले और डीएम के समक्ष नॉमिनेशन फाइल किया। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बुलंद आवाज में कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार का चुनाव रिंकू यादव अकेले नहीं लड़ रहा, तमाम मुखिया वार्ड सदस्य लड़ रहे हैं और जनता के समस्याओं को लेकर मान सम्मान की लड़ाई है और तमाम विषयों को लेकर जनता से जुड़े हुए मुद्दों के लेकर रिंकू यादव मुखिया और तमाम वार्ड सदस्य इस बार चुनावी मैदान में हैं। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि रिंकू यादव के चेहरे पर, यानी कि नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव के चेहरे पर जो मुस्कान है, जो चमक है, जो खुशियां दिखाई दे रही है मतदान से पहले, और बुलंद आवाज में ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार का चुनाव नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव नहीं बल्कि तमाम मुखिया वार्ड सदस्य लड़ रहे हैं। मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की लड़ाई है और इस मुद्दों की लड़ाई में तमाम वार्ड सदस्य मुखिया नागेंद्र कुमार उर्फ रिंकू यादव के साथ खड़ी है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।